तो बीजेपी के कद्दावर नेता और राजस्थान के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह एक बार फिर से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। 5 सितंबर को वो सदस्यता ग्रहण करेंगे और सक्रिय राजनीति में वापस आ जाएंगे। यूपी में बीजेपी का फिर होगा कल्याण, सक्रिय राजनीति में लौटेंगे कल्याण सिंह। 5 सितंबर को लेंगे बीजेपी की सदस्यता। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कल्याण सिंह। यूपी के पूर्व सीएम और दिग्गज नेता कल्याण सिंह एक बार फिर सक्रिय राजनीति में लौट रहे हैं। 5 सालों तक राजस्थान के राज्यपाल का पद संभालने के बाद अब कल्याण सिंह एक बार फिर अपने पुराने पार्टी बीजेपी का दामन थामेंगे। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में वो एक बार फिर भगवा झंडा थामेंगे। यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं कल्याण सिंह। बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय वो यूपी के सीएम थे। 4 सितंबर 2014 को राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली थी। 3 सितंबर को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। 1967 के बाद कार्यकाल पूरा करने वाले पहले राज्यपाल हैं। कलराज मिश्र अब राजस्थान के राज्यपाल बने हैं। एक समय में कल्याण सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते थे। यूपी की सियासत उनके इर्द गिर्द घूमती रहती थी। 1992 में राम मंदिर के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी कल्याण सिंह ने ही दी थी, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उन्होंने राम लल्ला के लिए अपनी सत्ता की बलि चढ़ा दी थी। राम मंदिर के लिए सत्ता ही नहीं गवाई बल्कि इस मामले में सजा पाने वाले वो एकमात्र शख्स भी हैं। राज्यपाल के पद से हटने के बाद कल्याण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्हें बाबरी केस में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आपराधिक साजिश के आरोपों में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। 1992 में कल्याण सिंह ने साफ कहा था कि वो कार सेवकों पर गोली नहीं चलाएंगे। सीबीआई ने उन पर केंद्रीय बल का इस्तेमाल नहीं करने का आरोप लगाया था, जिस पर विशेष अदालत ने उन्हें साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। संघ की गोद में पले बड़े वो बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाते थे। उनकी पहचान कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी और प्रखर वक्ता की रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।